हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस इजी रेसिपीज। आज हम बड़ी की सब्जी बनाएंगे। इनको कहीं कहीं मंगोड़ी या मूंग बड़ी भी कहते हैं, क्योंकि मूंग दाल से बनती हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती हैं। सब्जी को बनाने के लिए हमने बहुत ही बेसिक मसालों का यूज किया है, जो कि सभी के घर में आसानी से मिल जाते हैं। ये सब्जी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है और इनको बनाना भी बहुत आसान है। हमने सब्जी में जो बड़ियां यूज किए हैं, उनको हमने घर में बनाया है। ये किस तरह से बनाई जाती हैं, इसका वीडियो मैं आपको जल्दी शेयर कर दूंगी। आइए देखते हैं इसकी सब्जी कैसे बनाते हैं। बड़ी आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने बड़ियों को भूनना होगा। उसके लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून देसी घी डाल देते हैं और घी को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये एक छोटा बोल हमने बड़ियों का लिया है, इसमें डाल देते हैं और इनको मीडियम टू लो हीट पर भूनने देते हैं। इनको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इनको भूनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। सब्जी को बनाने के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ, क्योंकि देसी घी में बनी हुई बड़ी की सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है। बस इसी तरह से उलट पुलट करते हुए इनको गहरा भूरा होने तक सेक लेंगे। बड़ियों को रोस्ट करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो इनका रंग गहरा भूरा हो चुका है। अब हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। इन सारी बड़ियों को हमने प्लेट में निकाल लिया है, अभी इनको साइड पे रखते हैं। और ये जो हमारा घी कढ़ाई में बच गया है, इसको भी अभी एक साइड पे रख देते हैं। अब हमने एक कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और कढ़ाई में हमारे पास जो घी बच गया था, उसी घी में से 2 टेबल स्पून घी हम कुकर में डाल देते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें पिंच ऑफ हींग डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून जीरा डाल देते हैं। जीरा चटकने लगा है, अब हम इसमें 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक टुकड़ों में कटा हुआ और 1 हरी मिर्च बारीक टुकड़ों में कटी हुई डाल देते हैं। 1 कटोरी हमने आलू लिए हैं, जिनको मोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो भी इसमें डाल देते हैं। 1/2 कटोरी हमने मटर लिए हैं, उनको भी इसमें डाल देते हैं। आलू और मटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम जो बड़ियां हमने भुनी थी, उनको भी इसमें डाल देते हैं। आप इस सब्जी को बिना आलू या बिना मटर के भी बना सकते हैं, मतलब या तो सिर्फ आलू या सिर्फ मटर के साथ भी इसको बना सकते हैं। गैस की हीट हमने स्लो कर दी है, अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट डाल देते हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इनको हम मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं, मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। अभी देखने में सब्जी में पानी थोड़ा आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन पकने के बाद सब्जी थोड़ी थिक हो जाती है। अब हम कुकर का लिड बंद कर देते हैं और गैस की हीट को फुल पर कर देते हैं और इसमें एक विसिल आने देते हैं। कुकर में विसिल आ चुकी है, अब हम गैस की हीट को स्लो कर देते हैं और इसको 5 मिनट तक स्लो हीट पर पकने देते हैं। सब्जी को स्लो हीट पर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस की हीट को ऑफ कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। कुकर की स्टीम रिलीज हो चुकी है, अब हम इसका लिड खोल लेते हैं और सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सब्जी काफी थिक हो चुकी है और बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई है। अब हम बड़ी और आलू को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको चेक करा देती हूँ। बढ़िया सॉफ्ट हो चुके हैं, आलू भी काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को एक बार फिर से ऑन कर देते हैं। सब्जी में बॉईल आने लगा है, अब हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देते हैं और मसाले को चम्मच से मिक्स कर देते हैं। मूंग बड़ी की सब्जी में हम अमचूर का यूज नहीं करते हैं, अमचूर पाउडर डालने से इसका टेस्ट खराब हो जाता है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, हम इसे मिक्स कर देते हैं। इसमें बॉईल आ चुका है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये सब्जी देखने में तो टेम्पटिंग लग ही रही है, साथ ही खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। जो लोग मूंग दाल खाना पसंद नहीं करते हैं, वो इस तरह से बढ़िया बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। इसी तरह की और भी नई नई रेसिपीज देखने के लिए मेरा चैनल फॉलो करते रहिए।
आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।